लांग कोविड से जूझने वाले मरीजों पर बीमारी के असर को लेकर नई रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे मरीजों में 10 अंगों से जुड़े 200 से ज्यादा लक्षण दिख सकते हैं। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिन मरीजों में लक्षण दिखते रहे हैं, वैज्ञानिकों ने उन पर स्टडी की। इनमें लांग कोविड से जूझने वाले 56 देशों के 3,762 मरीजों से बात की गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने अपनी रिसर्च के दौरान कोविड से उबर चुके मरीजों में दिखने वाले 203 में से 66 लक्षणों पर 7 महीने तक नजर रखी। सभी मरीज 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के थे और उनसे कोविड से जुड़े 257 सवाल पूछे गए थे। आइए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले लांग कोविड क्या है। लांग कोविड की कोई मेडिकल परिभाषा नहीं है। आसान भाषा में इसका मतलब है शरीर से वायरस जाने के बाद भी कुछ ना कुछ लक्षण दिखते रहना। कोविड 19 के जिन मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, उन्हें महीनों बाद भी समस्याएं हो रही हैं। कोविड 19 से उबरने के बाद भी लक्षणों का लंबे समय तक बने रहना ही लांग कोविड है। मरीजों में थकान बेचैनी जैसे लक्षण कॉमन। मरीजों में सबसे कॉमन लक्षण थकान बेचैनी और सोचने समझने की क्षमता घटना रही। इसके अलावा कपकपी, खुजली, महिलाओं के पीरियड्स में बदलाव, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हार्ट पेपलिटेशन, यूरिन स्टोर करने वाले ब्लैडर को कंट्रोल ना कर पाना, याददाश्त घटना, धुंधला दिखना, डायरिया, कानों में आवाजें सुनाई देना और दादे जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। दिल, सांस के अलावा दूसरी जांचें भी जरूरी। रिसर्चर्स का कहना है अभी कोरोना वायरस को मात देने के बाद मरीजों को दिल और सांस से जुड़ी जांचें कराने को कहा जाता है, लेकिन लॉन्ग कोविड के मामलों में इसके अलावा भी कुछ जांचें करानी चाहिए। इनमें न्यूरोसाइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को देखने की जरूरत है। जितनी तरह के लक्षण मरीजों में दिख रहे हैं, वे शरीर के कई अंगों पर बुरा असर डालते हैं। इनके कारणों का पता लगाकर ही मरीजों का सही इलाज किया जा सकता है। कब तक लक्षण बने रहेंगे कहना मुश्किल। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की न्यूरोसाइंटिस्ट एथेना आक्रमी कहती हैं कि ऐसे मरीजों में आगे कितनी तरह के लक्षण दिखेंगे, इसकी बहुत कम जानकारी मिल पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये कितने गंभीर होंगे और इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता भी बाद में ही चलता है। अभी तक हुई रिसर्च में पता चला है कि लॉन्ग कोविड के मामले में लक्षण 35 हफ्तों के बाद दिखना जारी रह सकते हैं। ऐसा होने का खतरा 91.8% तक रहता है। रिसर्च में शामिल हुए 3,762 मरीजों में से 3,608 यानी करीब 96% मरीजों में ऐसे लक्षण 90 दिन के बाद भी दिखते रहे थे। वहीं 65% मरीज ऐसे भी थे जिनमें लक्षण 180 दिनों तक दिखाई दिए थे।